क्या चला रहा है ये घर में, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मैं इस भाई का, मेरा पड़ोसी हूँ मैंने बच्चे का, तो फिर इस बच्चे को बड़े जज्बे है बकरे पालने का, और अभी तो बकरा कुर्बान हो गया। अगर आप इस, मेरी नजर में, मैं खुद एक गोट फार्म वाला हूँ, बकरे का बड़ा शौकीन हूँ, इस बच्चे से मैंने नीचे नीचे देखा है जज्बा। आपने कभी चद्दर बिछाया है बकरे के लिए? दिन में दो टाइम चद्दर धोने और दो टाइम तकिया धोना, ये है वो। अच्छा, बिल्कुल हक बात है। बकरिया बैठेगा तो सिर्फ चद्दर पे बैठेगा, बालू मिट्टी घर के अंदर बनाकर, बालू मिट्टी डालकर, यस, और उसमें चद्दर गद्दे और तकिए। कौन जानवर तकिए पे सोता है? लेकिन नहीं, तकिए गरम गरम रोटी बने, और ये अजर भी गवाई थे, गरम गरम रोटी देसी घी लगाकर। अच्छा, और ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट भी और बिस्किट। अगर वो नीचे उतरेगा, ऐसे नहीं उतरेगा, वो ड्राई फ्रूट देखेगा तो ही नीचे जाता था खेलने। अरे वाह, फूड खाएगा तो आएगा। मैंने, अरे वाह, अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, हैवी बकरा। फैसल भाई के चैनल पे है वीडियो, अच्छा, बकरे का वीडियो, 100 किलो के ऊपर का बकरा था माशाल्लाह। ये बच्चा है ना, रहा है मेरे साथ में 15-16 दिन, तो बेटा कैसी कैसी बेईमानी है जंगल में, बहुत बेहिसाब। मतलब किसान लोग ऐसा एड़ा बना देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। बोलेंगे इतना रुपया पैसा, और जाने के बाद सीधा 100-150 रुपए का फर्क है ना, सामने सामने की बात है। अगर तुमने उनकी चोरियों को पकड़ लिया तो, अगर नहीं पकड़े हो तो, यानी कि अंदर से आप लुटवा दिया, लुटवा के आ गए हो यहाँ आके सर पकड़ के बैठना। अब आ जाइए, मैंने एक ना लव्ज लिया था, एनबेंडाजोल, फेमिंडाजोल है ना। हाँ हाँ। बचपन से 60 साल पहले एक ऐसी कंटेंट बना था, ऐसा एक लिक्विड है जो आंतों में लेयर करके कोट करके रहता है, चिपक कर रहता है, ये ज्यादा बेहतर असर करता है। पहली बार अगर आप डी वार्मिंग कर रहे हो, एनबेंडाजोल या फेमिंडाजोल कंटेंट से करें, ये बहुत फायदा देता है। ओके, एक हाथ जोड़ कर, और आपके चैनल पे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पत्ते या घास खिला रहे हो, मेहरबानी करके रात का तोड़ा हुआ दिन में खिलाए, दिन का तोड़ा हुआ रात में खिलाए, तुरंत नहीं खिलाना, ना कभी ताजा नहीं खिलाना। अच्छा, यस। आपके जानवरों में जो आप प्रॉब्लम देखते हो ना, पेट में गैस हो जाना, मुंह से पानी गिरना, बकरा चिल्ला चिल्ला के मरना, जिसे आज हम बड़े ज्यादा पढ़े लिखे होकर यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, ATTT का प्रॉब्लम बता देना या एसिडोसिस या एल्कलोसिस का लफ्ज ले लेना, ये बीमारी बहुत होती है। अच्छा, होता है कि नया झाड़ है, नया घास है, नया पत्ते, उसमें बारीक बारीक कीड़े होते हैं। ओके, हाँ। जब जानवर ताजा चीज जब खाएगा और वो बारीक बारीक कीड़े जब पेट में जाएंगे, और वो जाने के बाद में वो भी तो मरेंगे ना, वो तो ऑक्सीजन पे जी रहे थे, अंदर तो ऑक्सीजन नहीं है ना। मरने के बाद में ETTT का इश्यू आता है, एंजाइम टॉक्सिन, ये जो ईटी टॉक्सिन, मतलब समझ गया ना। So, ये पत्ते ये जो तोड़ ले, 8 घंटा छोड़ दे, रूट जो भी जिंदा है ना, कीड़ा जो है जिंदा चीज पे रहेगा, पत्ता या घास हो, 8 घंटे तक है ना, और वो डेड हो जाती है। अच्छा, रूट, अच्छा, वो अपने आप जगह छोड़ देगा, वो खुद चले जाएगा। तो समीर भाई, कैसा सूखा चारा जब जानवर खाएगा ना, उसको ईटी की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, सूखा चारा, क्योंकि इसमें सूखा हो गया, उसमें जर्म्स नहीं रहेंगे, उसमें कीड़े नहीं रहेंगे, सही। फंगस का थोड़ा ध्यान, फंगस नहीं लगते, देखो सूखे चारे में जल्दी, जो जैसा हमारी पत्ती, तुअर भूसा, गवार भूसा, गीले चीज में ना ज्यादा फंगस, जर्म्स, बैक्टीरिया बहुत होते हैं। ओके ओके ओके, ये कर ले, ज्यादा बेहतर है, माशाल्लाह। तो रात का तोड़ा हुआ दिन में खिला दे, बासी नहीं होता है, ये रोटी नहीं है जो रात भर में बासी हो जाए, सही है। और सच कहा जाए ना, तो भाई तरीके से पाले, प्यार से पाले, और वक्त पे दे, ये चीज ध्यान में रखे। अगर सुबह 7 बजे चरा रहे हो तो सुबह दूसरे दिन 7 बजे भले कम दो, लेकिन 7 बजे दो उसको, टाइम पर दो, टाइम पे दो। अगर दिन में 10 बजे चरा रहे तो 10 बजे चराओ, रात की 2 बजे चरा रहे, उसका जैसा आपने हाजमा बना दिया, वक्त सेट कर दिया, बस उस वक्त पे देना, प्यार से देना, फिर देखना आपको कोई अलग से प्रोटीन की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बकरों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, जानवरों में सबसे कमजोर इम्यूनिटी ना बकरों की है। अच्छा, हाँ, देखो ना बकरे को तुम देखो, ये बकरा आया, बीमार हुआ, 1-2 दिन बुखार में, डायरिया, निमोनिया में चले आता है, PPR में चले आता है। और अगर निमोनिया में चले गया, 2-3 दिन में दम तोड़ दे, 4 दिन या 1 हफ्ता, इंसान को देखो 2 महीना भी हॉस्पिटल में निकाल लेता है। कुत्ता बारिश में भीगेगा, बिल्ली बारिश में घूमेगा, जानवर नहीं घूम पाता है, बकरा नहीं रह पाता है, नहीं रह पाता। इंसान की जैसी, मतलब बीच की बात, मौत और जिंदगी तो रब के हाथ है ना, ठीक है। भाई इंसान की उम्र 50 साल है, तो उसका शरीर दम तोड़ने में ना धीरे धीरे महीने लगा देता है। इसकी उम्र कितनी है? 4 साल।
उसके अंदर पावर कितना होगा एक दो दिन का। नए आदमी को तो शुरू में दो दिन तक तो पता ही नहीं चलता कि उसका जानवर बीमार है। ओके ओके, मुंडी लटका देगा, जब जानवर अपनी पूंछ और गर्दन लटका देगा ना, उसके इलाज में आपको बड़ी तकलीफ आएगी। अव्वल अच्छा जी, मतलब एकदम एक्सट्रीम स्टेज पे चला गया क्या वो जी? अच्छा, आप इतना कर ले, आप जितने भी पाल रहे हो ना दुनिया वाले, सब इतना खाली ख्याल कर ले कि जब भी आपका जानवर आपको फ्री टाइम हो तो ऐसा घड़ी में देगा, जब जुगाली करता है ना पाव, एक मिनट में 40 से 70 बार अगर उसने जुगाली कर लिया, वो जानवर आपका परफेक्ट है, भूल जाओ, टेंशन मत लो, सो जाओ, एक मिनट खाली देखना है, एक मिनट में 40 से 70 बार अगर मुंह घुमा लिया तो इसका रोमन एकदम परफेक्ट है, बदन में बीमारी नहीं है। ये जानवर ऐसा है, इसे बुखार चलेगी चढ़ेगी तो ये रोमन अपना रुका देगा, जुगाली रुका देगा, सिर्फ जो भी बीमारी होगी अपने रोमन को रोकेगा, ये जुगाली बंद करेगा। तो तुम्हें अगर वो जुगाली नहीं कर रहा है, 40 से कम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। तो पेट चेक करे, टेम्परेचर लगाए, फीवर चेक करे, हर टेम्परेचर हर बार में टेम्परेचर लगाए और साथ में पेट भी चेक करे, ये काम कर, मतलब पेट का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, सबसे बड़ा रोल है। सही है, एक्चुअली देखो मैं बताता हूँ समीर भाई, क्या है कि जानवर जैसा इनमें बीमारी होती है, एसिडोसिस या एल्कलोसिस, जो रोमन में ना पानी जमा हो जाता है, तो उसमें भी बकरे को टेम्परेचर आता है। बकरे को देखो टेम्परेचर का पता है, तो बैक्टीरियल वायरल डिजीज है तो भी टेम्परेचर चढ़ेगा, हड्डी टूटेगी तो भी, जख्म लगेगा तो दर्द से, अपने इंसानों को भी आ जाता है दर्द से बुखार। तो हम क्या देखते हैं, पता बकरे को सिर्फ बुखार है, अब पेट की भी जो बीमारी रहेगी ना उसमें ही बकरे को बुखार चढ़ेगी, तो हम क्या करते हैं सिर्फ बुखार का इलाज करते हैं, मेन जड़ क्या है एक्चुअल में, बुखार जो है ना उसका एक सिम्टम शो कर दिए कि ये बुखार में है, इसको चेक करो। कितनी किस्म की बुखार होती है आपके सामने? मेरे को कुछ नहीं मालूम भाई, और आपके सामने तो अपनी तो बोलती बंद हो गई। चार किस्म की बुखार होती है। अच्छा, इंसान को ना ये ऑब्जर्व करना जरूरी है, अगर गुड फार्मिंग कर रहा है, घर में पाल रहा है, वो चीज पे गौर करे। नंबर एक, जब भी हम माइग्रेट कराएंगे ना जानवर को, जब हम सफर कराते हैं, आने के बाद में हरारत होती है, बदन में बुखार आती है, तो होती माइग्रेंट फीवर। एक आएगी फीवर के दिन में, अचानक से बहुत तेज धूप गिरी थी, रात में एकदम से ठंड थी, ऐसा मौसम ऊपर नीचे होगा तो उसको फ्लू कहते हैं हम। ओके, इंसान भी बीमार होता है, होता है सही है। तो अगर मान लो कि आपकी तरह दो चार जानवर, 50 जानवर में से दो चार को अचानक से फीवर आ गई, आपने चेक किया तो आप पहले तो ये देख लेंगे, मैंने तो माइग्रेंट कराया ही नहीं था, जानवर मंगा के 6 महीने हो गए, उसके बाद में भाई चलो अभी कोई बात नहीं, मौसम का तो कुछ नहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 4 महीने हो रहा है, दिन में धूप हो रही है, रात में ठंडी 3-4 दिन से, तो वो पहले ऑब्जर्व कर ले, अगर वो है तो फ्लू है तो उसका इलाज कर ले। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा ऐसी बात है वायरल है, वायरल डिजीज घूम रहा है, अगर पूरे में है तो अपने में भी है, 4 को मैंने ठीक किया था, कल फिर 3 बीमार हो गए, तो फिर अपने आस पास के हल्के में ना पूछताछ करना चालू करे, मेहरबानी करके इस चीज में शर्म ना करे, बताए वो रखते कि मेरे फार्म के दरवाजे के अंदर है ना, मैं बर्बाद हो लूंगा लेकिन मैं मुंह नहीं खोलूंगा, ये गलत है। बहुत से कम है मेरे भाई जो इस चीज पे ना आगे आते हैं, ये जरूरी है हर भाई आपस में शेयर करे, तो आपको पता चल जाएगा कि यार वहां पर भी ये बीमारी आई है, यहाँ पर, तो इसका मतलब ये वायरल है, अच्छे एंटीबायोटिक पे जाना है, ठीक है। चौथा क्या होगा आपके हिसाब से, तजला होता है, एक बुखार ऐसी होती है ना कि आपके फार्म पे साल के 12 महीने रहेगी, नाक पे पानी, सर्दी परेशान, वो होगा कहाँ, तालाब, अच्छा समंदर का किनारा, नदी का किनारा, मेहरबानी करके हाथ जोड़ दो, एक चीज कह रहा हूँ, जग में जगह खरीदो ना, दूर खरीद ले इन चीज से, आप जो सोचते हो ना भाई बहुत प्यारा लोकेशन आ गया है, नदी का ना, नदी बाजू से गई हुई है भाई, वहाँ मॉइस्चर होगा, बहुत ज्यादा नमी होगी, नमी तो इसकी दुश्मन है, कभी नहीं ठीक हो सकता, ये गवाही अजर देगा, बेशक ये गवाही अजर देगा। आज के 1 साल पहले अजर की तरफ ही कैमरा रखिए, 1 साल पहले एक बंदा ना रोज कॉल करता था मुझे, भाई मेरे बकरे बहुत बीमार हो रहे हैं, आओ ना आओ ना आओ ना, तो मैंने अजर से कहा कि शाम को एक बार अजर चल अपन चलते, मैं और अजर गए वहां पर, मैंने उससे पूछा समीर साहब कि भाई कितने सालों से तू पाल रहा है, बोले 15 सालों से, तो इस जगह पे बोलता नहीं, इस जगह पे तो अभी मैं 2-4 महीने से ही पाल रहा हूँ, तो बोला जो पहले पाल रहा था कहाँ था, तो उसने अपने एक एरिया का नाम बताया, और जब हम वहां पर थे तो मैंने अंदर घुसते ही उससे पहले ही मैंने अजहर को बोला कि मौत का कारण देख रहा है अजहर, इतनी फॉग ना शाम के टाइम वहां पर, वो था भाई पूरा इलाका ऐसा था पीछे समुंदर टाइप,
इधर पूरा पहाड़ टाइप, उधर लहर आ रही है अच्छा। और एकदम ग्रीनरी ऐसा चीज था कि वो मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर वहाँ पे बस ही गया होगा। मैंने घुसने से पहले अजहर को बोला, मतलब अजहर ये वो बीमारी जब तक ये बंदा इससे निकलेगा नहीं तब तक ये कामयाब नहीं होगा। मैं अंदर जाते साथ उसने मैं बोला देखो ये बोला देख भाई तेरे यहाँ बीमारी ये है, अगर तू इसे कंट्रोल कर लेगा तेरे जानवर बच जाएंगे नहीं तो तुझे भागना पड़ेगा। मैं बोल कर आया था ये बात क्योंकि 15 साल तेरे को एक्सपीरियंस है, तुझे बिल्कुल अच्छी जगह पे था तो तुझे तकलीफ नहीं दिया। देख ले 3 महीने में तेरे हाथ पैर सब खड़े कर दिए इसने। वो क्या बोला कि 15 साल में जितने जानवर मेरे से मरे नहीं थे वो इन 3 महीने 4 महीने में मर गए। अच्छा ये गवाही देगा साल भर पहले की। अभी उन्होंने मुबारक भाई ने बताया कि फिर भी अगर इधर ही रहना है तो भी उन्होंने फिर इलाज तरीका बताया कि क्या बल्ब क्या 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 करना है, कैसा रखना है, टाइमिंग क्या करना है बताया, तब जाके वो जो चालू किया उसके बाद अभी उसके थोड़े बकरे सेट चल रहे हैं, इसका फर्क पड़ जाता है। एक्चुअली जो कन्वर्सेशन है इसका मेन पॉइंट ये है ना भाई के मॉइस्चर बकरियों को खाता है, सबसे बड़ा दुश्मन मॉइस्चर है पानी और मॉइस्चर। सूखा मौसम है, अरे हम लोग फलोदी जाते हैं ना एआर के, अभी मेरा भाई वहीं है फलोदी में ही है, वहाँ जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब बकरे देखो ना ये सीजन में गर्मियों में तो ऐसा लगता है बकरों क्या बीमारी की मार पड़ी है, एकदम सुखड़े हुए मुर्गी के बच्चों की तरह ऐसे सुखड़े हुए खड़े रहते हैं। जैसी धूप आएगी ना तो वही बकरे ऐसी चमक मारते हैं, ऐसे दिखते हैं कि पूछो मत। और ठंडी हम मुंबई में रहे, अगर हमने यहाँ पर बकरी के बच्चा पैदा हुआ 10 बकरी के 10 बच्चे पैदा हुए, अगर हमने 8 बचा लिए ना, बचाने की तो जात मेरे अल्लाह की है बेशक, तो ये मान के चलना कि तुमसे बड़ा तो कोई गुरु है ही नहीं, है नहीं। बम्बई के अंदर ना ये हाँ सही बात है, अगर तुमने 100 जानवर पाले और अगर 95% बकरों में अगर आपने ग्रोथ करा दिया ना वेट, चाहे 1 किलो क्यों ना कराए तो आपसे बड़ा उस्ताद नहीं है। अच्छा और मैं एक बात कह रहा हूँ, जो भी समंदर के किनारे रहकर जानवर पाल रहा है ना उससे बड़ा हिंदुस्तान में उस्ताद नहीं है, ये याद रखना है, सच है। चाहे वो मुंबई वाला हो या केरला वाला या कोंकण वाला, किसी भी छाप नहीं है जो समंदर के बड़े बड़े किनारों पर। मॉइस्चर माल खरीदना है मेहरबानी करके, फिर एक बात बोल रहा हूँ मैं आपके चैनल पे, मार्च में खरीदे। अच्छा ये नया है मार्च में, अगर इसमें इसका रीजन क्या है? मुंबई वाले मैं बताऊँ खुलकर यार भाई, मैं इसको क्या रखना है ना समीर साहब, सही बात है, जितना हो मेरे पास में बेशक, मोहब्बत से आए मेरे घर पे आए मेरे दरवाजे पे आए मेरे भाई हो। मैं आपको सच बताऊंगा आपके माध्यम से बहुत लोगों को पता है, कारण है दो फायदे हो गए आपको। मार्च एक ऐसा मौसम होता है ना बकरों के लिए बड़ा मुफीद होता है, वहां से गर्मी शुरू होती है और जो आप बोल रहे थे ना जो ठंडे में आप बोल रहे हो ना बकरे मुरझा जाते हैं, सबसे ज्यादा क्या होता है मॉइस्चर खाता है। आप सफर करा रहे हो जानवर हवा लग रही है ठंड में आ रहा है, यहाँ आने के बाद में सपोज करो मैंने दिसंबर में लाया तो रस्ते भर की जो ठंड है वो उनकी हड्डियों में बैठ गई बस जाती है, और यहाँ उतारने के बाद में यहाँ का जो मॉइस्चर है वो उनके लंग्स पे असर करता है, ये हो गया नमूनिया। अच्छा और ये खाया ये हो गया पीपीआर, पीछे पीछे बन रहा है ना, पीपीआर को उड़ कर नहीं आता है, पीपीआर यही जनरेट हो जाता है यही बन जाता है। ओके ओके ओके, हम लोग बोलते हैं जंगल से आया जंगल से आया, ये आता भी है और ये बनता भी है, ये दोनों है। अच्छा जी तो नवंबर दिसंबर मार्च क्या हो गया कि जाती ठंड है धूप है हवे रस्ते भर में भी आया मॉइस्चर यहाँ कम होता है। और दूसरा फायदा वो टाइम पे है ना, और कोई भी बेचने वाला ना बेचारा बड़ा कड़का होता है, ये अंदर के राज में बता रहा हूँ आपको, उस वक्त में बड़ा कड़का होता है उस पीरियड में, क्योंकि त्यौहार आता है उस वक्त में एक बहुत बड़ा, और उस टाइम पे कोई फसल नहीं होती है और कड़का होता है वो पैसे। अच्छा। तो दो फायदे हो गए, ये हकीकत है, मैं जंगलों में घूम रहा हूँ तो मुझे मैं देख लिया मार्च एक मुफीद है, अप्रैल तक मई तक मुफीद, जैसी बारिश शुरू है हाथ जोड़ लिया मत करो यार नुकसान है। लेकिन लेकिन मुबारक भाई मेरा एक कहना यह है कि जैसे अभी जैसे ईद तो अप्रैल के बाद ही है जून में आ रही है, तो उस टाइम के लिए क्या करना चाहिए इंसान को, उस टाइम के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बड़ा आसान हो गया, मजाक बड़े खेले मैंने ना पिछले साल, देखा हूँ दिल्ली वालों को सोते हुए उससे पिछले साल बॉम्बे वालों को, पिछले साल दिल्ली फ्लॉप हुई है, मैं 1.5 महीना है ना पिछले साल भी है ना अभी जो गई ना बकरी, तो 1.5 महीना मुसलसल मेरा हिंदुस्तान के जंगलों में था। मैं जैसा सुबह में बकरीद की नमाज है ना तो मैं रात के 2:30 बजे मुंबई पहुंचा मेरे घर पे कि भाई अब मेरा त्यौहार आ गया, मैं जा रहा हूं, मैं स्टडी कर रहा था। तो पिछले साल सोया दिल्ली, उससे पिछले साल सोया बॉम्बे, कारण क्या है 4-5 दोस्त है ना
दो दो तीन तीन लाख मिला और चलो भाई, बोले चलो मुंबई लैंग्वेज में बात करो, चलो बोले बंटा है तो खेल हो गया था। बकरे लाए, हकीकत कह रहा हूँ, पिछले जो दो साल पहले वाले जो टूटे है ना कई, तो जब वो यहाँ वाले जब जाकर वहां पर माल खरीदने लगे ना जिस तेजी से, तो वहां पर जो किसान था ना वो ये लालच में आया कि ले भाई वहां तो पता नहीं कितनी क्या चलन है। तो वो क्या किया पता है कि बॉम्बे वाले कितने में ले रहा है कि 325, बोले मैं तेरे 350 में ले रहा हूँ माल, एग्जाम्पल तुझे दे 100 बकरे मैं तुझे ला कर दे रहा हूँ बेच के पैसे, तो यहाँ आने के बाद में 200 में बेच के भागा, आज तक दो दो सालों का अपने घर नहीं पहुंच पाए। कितनी की तो बहने बेटियां घर आ गई क्योंकि उसने अपने बहनों से अपने फूफा से माल उधार लेकर गया था। आज वो दो साल से माँ बाप घाटा खा के भागते भागते घूम रहा है जंगलों में, आज उसकी बहनों को और उनकी फूफियों को लोग वापस घर में बिठा दिए कि पैसे दे जा तभी। ये रियल रियल आप में से किसी ने देखा है क्या ये चीज, मुझे जवाब देना। मेरे को तो नहीं मालूम थी, ऐसे यूट्यूबर अपने दिल पर हाथ रख के बताना। नहीं नहीं मेरे को तो नहीं मालूम थी, मेरे को इतना मालूम था कि लोग ब्याज लेके बकरे खरीदते हैं वो मेरे को मालूम था, लेकिन ये पोजीशन तक हो गया है मामला ये नहीं मालूम था मेरे को। लोगों की बहन बेटियां ना घरों में बैठ गई, अल्लाह ये बड़ा आसान लगता है, आसान है नहीं ये कारोबार, आसान नहीं है। अच्छा ये जिसका काम है वो कर रहा है, आपको करना है अब दो चार साल अपना इस फील्ड में लगाए, पहले अपने वक्त को लगाए, माल ना लगाए, एक बार दो चार साल में इलम को सीखे, सीखने के बाद इतने से शुरू करे, थोड़े से शुरू धीरे 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 उसमें से बढ़ाए इतना इंशाल्लाह। ये सच्चाई कि मैं जमा कर लूं, वो पीछे खड़ा है ना वो गवाही देगा। एक लड़का आया था मीरा रोड से, फाइनेंसर लोगों से पैसे लेकर, अच्छा 2 लाख दो, 5 लाख दो, डबल करके दूंगा, ये दूंगा, बकरे बेच के पैसे देता हो जयपुर में 3 दिन उसको होटल में, किस दिन पैसा डबल में उसको घुमा घुमा कर हमने वापस बॉम्बे भेज दिया। उसकी माँ ने बहुत दुआएं दी बाद में फोन करके, क्या कर रहा था वो लड़का। ऐसे से लोगों से ना जो वसूली करते ना जो दुनिया से, उनसे पैसे लेकर आया था। अच्छा वो अदेली पे चांद दिखा कर आया था कि मैं तुमको माल ऐसा कलाऊंगा ये बेचूंगा, वो कलाकार ही था। और वो आया और इत्तफाक से जयपुर में मुझे कॉल किया कि भाई हमें माल चाहिए, ठीक है। मैं थे मेरे बड़े अजीज है मुजाहिद भाई, हम लोग दो, मैंने बोला यार ये उम्र में बड़ा कच्चा है बच्चा, पहले ना इसको माल नहीं दिलाते, इसको पूरे दिन अपन ना जयपुर जंगल घुमाते, नहीं जंगल नहीं, पहले खाली जयपुर घुमाते। और इसके अंदर की बात, जब अंदर पता चला कि बाप नहीं है, बाप गुजर चुका है, माँ है, एक ही घर है, मुजाहिद भाई इसका घर बिक जाए, अगर खुदा ना खास्ता ये ऊंट इस करवट के बजाय अगर इस इधर बैठ गया ना तो काम इसका घर बिक जाएगा। मुजाहिद भाई इसको 3 दिन ऐसे घुमाओ। उससे आखिर में क्या इल्जाम हम पे लगाया कि भाई तुम लोगों की नियत नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। बोला सही है बेटा जा, हम 50 साल पार कर गए, 4 साल हो गए इस जंगलों में घूमते हुए, तेरे लायक नहीं है ये जंगल, तू चल। उसको जबरदस्ती ट्रेन में डाल के उसकी टिकट करके उसको मुंबई भेजे। अच्छा जब वो उसकी माँ ने 10 दिन बाद में फोन करी, जब ये हालचाल ऊपर नीचे हुए ना तो वो बात किया, तो उसकी माँ ने बोली कि भाई मेरा घर बचा दिया तूने। बोला मेरी बहन सुन ले मेरी बात, ये है उम्र में 20 साल का, इसे क्या पता है। अरे अल्लाह 20 साल का तो 350-400 रुपए किलो भी खरीद लेता है ये, और ये ला के तेरे यहाँ 200 रुपए में भी बेचता, हाथ जोड़ जोड़ कर बेचता, लोग नहीं ले पाते इससे। तू बेवाती तू रोड पर आ जाती, हमें है ना तेरे बेटे का चेहरा दिख रख क्या रहा था, वापस भेजा। मुजाहिद भाई को बोला, मतलब मुजाहिद भाई कितने जानवर ले लेगा, बोले 100 लेगा। बोला आप क्या लोगे, बोले 200-400-500 जो भी मेरा हक्का है वो मैं लूंगा, 20-30 हज़ार में तुम्हारा तो कोई भला नहीं होगा, 20-25-50 हज़ार में इसको रवाना, किसी का घर खत्म हो जाएगा, इससे पहले फुर्सत में वापस भेजो। ये अपने लायक का नहीं है बंदा, कर लो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कर ले काम, आ जाए मैदान में, जिगर है तो आओ, हक पर आ जाए, हक पर आ जाए तो पता चलेगा, खून के आंसू रोओगे। वल्लाह कह के कह रहा हूँ मैं, जितने भी नए है डीमोटिवेट नहीं कर रहा मैं आप लोगों को, डीमोटिवेट नहीं कर रहा, पहले इलम को सीखे, इलाज सीखे, तजुर्बा हासिल करे, पहले अपने आपको घसाए 2-3 साल, जब ऐसा लग जाने का अब हम चंदन बन गए तब आना मैदान में, ना अपने पैसे जाया करो, ना अपने माँ बाप के जाया करो, ना किसी इन्वेस्टर के, किसी के भी जाया ना करो, ये मजाक नहीं है ये काम, ये डार्क साइड है, डार्क साइड जो अभी हमने बात की ना ये प्रॉपर। अभी तो बहुत सी ट्रांसपोर्टेशन की बातें, बहुत सी ऐसी बातें जो हमने 1% ही शेयर की है अभी। बात बोलूं मैं आपको, हाँ मेरा दरकार है ना हर भाई के लिए खुला है,
आपके जरिए मैं एक बात कह रहा हूँ, चाहे मेरा कोई भी भाई है, देखिए मुझे जितना पता है ना उतना बेलोस दूंगा लोगों के हाथ में। और कोई भी आप हो, समीर साहब कभी भी कितने भी कंटेंट बना सकते हो ना, बनाना मुद्दे पे, अगर मेरी जरूरत पड़े जिस जगह बुलाओगे मैं आऊंगा इंशाल्लाह। और कोई मेरा भाई अगर मेरे जरिए अगर आकर और बाद लोगों तक अगर सच्चाई अगर फैला रहा है ना सच्चाई, तो भाई आधी रात को खड़े तुम्हारे लिए बेशक। ऐसे चैनल पे है ना, मेरा भाई है, मेरा बड़ा अजीज है, आपको तो पता है मेरा बहुत अजीज है, मेरा छोटा भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके चैनल से ना मुझे इतना इज्जत मिली है, पूरी दुनिया से मुझे कॉल आते हैं बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है भाई, मेरा भाई मुझे ना हर चीज से चाहता है और मुझे मेरी मेहनत पे और मेरे तजुर्बे पे ना भरोसा है, बस मैं इतना कह सकता हूँ। मेरा तजुर्बा है जो मेरा इल्म है वो आप तक ला सकता हूँ, मैं भी तो कहीं से लेकर आया हूँ ना। चलो अगले एपिसोड में हमने कैसे कैसे लोगों से ना फॉर्मूले चुराए, चोरी किया है मैंने, हकीकत में फॉर्मूले चोरी किया है और फिर मसाले बना बना के फ्री में बांटा है लोगों को, अरे चोरी का फायदा है ये फ्री में था। सही 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 माशाल्लाह। फील्ड में घुसे थे ना तो 10,000 रुपया दिए, 20,000 रुपए फॉर्मूला सीखने का, कि तू सिर्फ इतनी सी चीज बता दे 20,000 ले ले और लेके लोगों को फ्री में बांटे आज तक। भाई मैं एक बात सच्ची बोलूंगा, लास्ट टू लास्ट ईद की बात है जब सब डूब गया था भारत काफी, तो इनको ना एक बंदा हम लोग का जो बकरे थे होते हमारे बाड़े में मीराउड में, तो एक बंदा है इनको बोलता है, एक इलाज की बात कुछ चालू थी, इनको बोलता है मैं 20,000 जगह पे देना, बस मेरे को एक इलाज छोटा सा है वो बता दो, तरीका कुछ नहीं सिर्फ तरीका बता दो, 20,000 तुम्हारे हाथ में अभी रख रहा हूँ बेटा, तू चाय पिला दे मैं तो फ्री में बता दूंगा, पैसे का रुपया चाय में बिक जाता, चाय में बिक जाता सही है। पिछले साल जो मंडी लगी थी हम मीरा रोड में थे, तो मेरे भी बकरे थे, मेरे बकरे बीमार थे तो मैं पूरा मेरा मेडिसिन किट लेके गया था मेरे बकरों का, 12 मीटर पाइप है ना इसने पेट में डाल डाल के खत्म कर दिया था। अब भाई अब लोग आते थे मेरे पास, समीर भाई आदिल भाई मेरे बकरे का इलाज, मेरे इधर का इलाज, इनसे पूछो मैं फ्री में कितना इलाज किया, 12 मैं 10 दिन था मंडी में, 10 दिन मीरा रोड की मंडी और घर वाले इधर रह रहे थे, मैं इधर आया नहीं पाया 10 दिन, मैं मंडी में सोता था उधर ही खाट पे 10 दिन तक एक ही कपड़े में था, और ऐसा भंगी की हालत में हो गया। एक बहुत बुरी बात लगी मेरे को, सच बात बोलूंगा, दवाई इनकी, मेहनत इनकी, तजुर्बा इनका, बंदा सिर्फ जरूरत के टाइम में मेरे सामने आता है, जिद करके लेके आया इंजेक्शन, भाई एक चाय तक नहीं पूछे बंदे, किसी ने भी नहीं, पूरे पूरे मीरा रोड की जो बाड़े की बात करो, पूरे मीरा रोड में जो मंडी लगी पूरे मंडी में इलाज करके आया बंदे ने मेरे सामने 10 के 10 दिन, एक भी जन ने आके इसको पूछा नहीं, वो भाई ले लेना समीर, वो कैसा नहीं नहीं एक तरीका बोल रही मैं, एक बात जो बहुत सी जगह बात बताने की तरीका ऐसा हुआ कि बंदे लोग आए रोते हुए, लड़के लोग, हां कि भाई चलो ना हमारा बकरा बीमार है, मैं एक सोसाइटी में गया तो एक घर फैमिली वाले थे उनके घर पे गया तो वो बकरा एकदम निमोनिया में बुरी हालत में था, पिछले साल आपको पता है कैसे बीमार थे बकरे बहुत, तो मैं इलाज किया, जैसे मैंने इंजेक्शन निकाला ना समीर भाई सब रोने लगे, तो बुजुर्ग औरत भी थी मेरे को, उनको देख के मेरी दादी की याद आ गई, बहुत रोने लगे, तो बोले क्या कंडीशन है, मतलब कंडीशन तो बुरी है और बकरा ईद को एक हफ्ता है, ट्रीटमेंट कम से कम 4 से 5 दिन चलेगा, बकरा सर्वाइव करना चाहिए, बकरा झेल लेना चाहिए। तो मैंने एक दिन इलाज किया तो पूरे पूरी सोसाइटी वाले पकड़ लिया मेरा बकरा बीमार है, तो भाई इसी बीमारी पहली भी थी। चा, 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 आ, वो सोसाइटी वाले ने मेरे को ये मसीहा बने भाई, मैं 3 दिन गया 3 दिन तक, और फिर वो जो बकरों में रिजल्ट दिखा ना समीर भाई, मैं आज तक हैरान हूँ कि वो रिजल्ट मेरे बकरों में नहीं है जब मेरे बकरे बीमार हुए, पूरी सोसाइटी वालों ने दावत रखी थी, अरे वाह, जब बकरे ठीक हुए। अच्छा दुआ सब सब सर पे हाथ रख के दुआ दे रहे थे बेशक साहब। देखिए ये है समंदर है, ये बकरा इंडस्ट्री छोटी मोटी नहीं, इसमें बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन सबर से करें, ईमानदारी से करें, ईमानदारी सबर सबसे बड़ी शर्त है, ये दो ये मांगता है और ये धंधा ये चीज मांगता है बेशक, इसमें आप कर ले अल्लाह की जात पे एतबार रखे, आज अंधेरा है तो कल उजाला तो आएगा, अल्लाह ने देखा ना मुकर्रर वक्त रखा है ना सारे सब चीज, जब मगरिब रखा है तो फिर फजर भी रखा फजर भी है, सारी चीजें रखा है ना, तो अल्लाह की जात पे एतबार रखे, काम करे बड़ी ईमानदारी से सच्चाई से। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा भाई एक एक दो दो पालता है ना वो जंगलों की तरफ ना रुक करे, मेरी निजी राय है, बाकी आपकी मर्जी है,
ऑनलाइन बिजनेस एक तो वैसे डुबत खाता बना हुआ है ना, आपके पास भी केस आते हैं ना ये। अरे तो वीडियो बनी है, बाप रे बाप, मैं तो कल एक वीडियो बनाया बाकायदा नाम लेकर। आप लोग तो स्क्रीन पे अपने नंबर नहीं देते, मैं तो स्क्रीन पे मेरे नंबर होते हैं मेरे भाई के चैनल पे, लोग मुझे किसी और के यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखा है और सवाल मुझसे करता है कि भाई मेरे चीज ऐसे सब मेरे पैसे फंसे हुए मुझे तुम दिलाओ, मुझे नहीं पता है। और भाई हमने जाकर जंगलों में लड़कर भी पैसे दिलाए लोगों को, जानवर तक ले जाके पहुंचाया है मैंने। तो ऑनलाइन में तो ये परेशानी, दूसरी चीज ये है भाईजान ट्रांसपोर्ट के बड़े मसले है। ट्रांसपोर्ट में आज ये इतने लालच हो गए कि मैं एक चक्कर में लाख रुपया कमा लूं, जहां पर 20 जानवर आना चाहिए वहां तुम 50 जानवर ढूंस के ला रहे हो, पैसे के लिए ला रहे हो ना भाई। तुम 1500 रुपए अगर एग्जांपल ले रहे हो तो 20 जानवर पे तुमको 30,000 था, तो 30,000 में तुम तुम्हारी गाड़ी लेकर जाओगे लाओगे तो तुम्हें इतना बचेगा नहीं। तो तुमने क्या कर दिया, 20 आना चाहिए था वहां 50 लेकर आए। सही बात है, यकीन से मैं कह रहा हूँ ये बात। 10 गाड़ी अगर आ रही है ना, 7 गाड़ी में ना नुकसान आ रहा है लोगों को माल का। तो एक तो इस चीज से भी आप बच जाओ। मुझे बकरा एक ही लेना है, मैं ऑनलाइन है ना राजस्थान से मंगाने तैयार हूँ, लेकिन मुंबई में पैसा नहीं दूंगा मैं, या कोई है उसे नहीं दूंगा। ये ईगो ना मेरा भाई ना करे, आपको मैं सच कह रहा हूँ, जो एक एक दो दो पाल रहे ना आप यहाँ से ले ले 500 महंगे से आप उसका हक्का दे, और वो कितना महंगा कितना सस्ता है वो तो तुम जाने और वो जाने, व्यापारी रब जाने। मैं तो बेचने वालों से भी कह रहा हूँ मेरा भाई 2000 मिले ना, 1000 मिले ना, बिस्मिल्लाह कर दो, दे दो, माल रखो मत, सेट करके दे दो, अगला परेशान नहीं हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे जमा करके लाता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, मैं एक बकरा खरीदने वाला बंदा जब मेरे यहाँ पर आएगा तो वो तंदुरुस्त तो मैंने खरीद लिया था, बड़ा ईमानदार बंदा मिला था मुझे देने वाला, लेकिन जरूरी है क्या वो 50 जानवर में सारे के सारे तंदुरुस्त थे? एक आधा अगर कोई 19-20 बीमारी वाला आ गया और वो फैला दिया, क्योंकि वेंटिलेशन की बहुत कम जगह होती है ट्रांसपोर्ट। सही सही, एग्जैक्टली। और एक दो घंटे नहीं रहता है, 48 घंटे 24 घंटे जानवर चलते हैं, तो बीमारी तो आनी आनी है। आने के बाद तुम्हारे इधर है ना 50% जो है वो नुकसान है, मौत होनी होनी उस जानवर की। तो वो घाटे से बेहतर है आप अपने आसपास के अच्छे गोट फार्म वाला हो या आपको बेहतर पालना जो सेट जानवर हो उसे 2000 ज्यादा दे दे और वो ले ले, ताकि आप इस हरेसमेंट से बचो, बच जाओ। ये हकीकत बात है हर यार बाजार बाजार। फिर एक काम करते ना, मुझे जींस पहनने का बड़ा शौक है, तो मैं काम करता हूँ कि मैं दुकानों पे क्यों जा रहा हूँ, मैं जहाँ ये बनती फैक्ट्री में वहीं चले जाऊँ एक लेने के लिए। नहीं मिलेगी। अरे शुरू में हमारे भाई फंसे एक बार जब बकरेबाजी में नए नए आए थे ऑनलाइन के चक्कर में, मैंने इनको मना किया था ये बात, इनको भी मैंने सिखाया समझाया, सिखाया तो नहीं है तो अल्लाह सिखाने की जात तो मेरे रब की है, हमारी तो क्या औकात है। बेशक बेशक। एक्चुअली होता वो टाइम पे शायद हमारी मुलाकात ही चालू ही थी तो इतना ज्यादा नहीं था, आज से 4 साल पहले की बात है, 4-5 साल वो टाइम पे शुरुआत ही थी, उसके बाद देखा है इनके पास, मेरे लिखे पास ही देखा है के ये मानते नहीं है ना, जो ज्यादा नहीं माने ना तो क्या करने का उसको एक बार छोड़ देना, बस छूट दे देने का, तो छूट दे दिया है एक दिन की, तो बकरे हुए दो बीमार। इलाज करूंगा, मैं नहीं इलाज करूंगा, मैं डॉक्टर ला रहा हूँ बहुत बड़ा। तो ये लोग कार लेकर गए, फिर उसका एक घंटा वेट किया डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब गाड़ी में बैठे आए, एटीट्यूड ओह ऐसा है क्या, अब वो भर रहा है इंजेक्शन, अब ये देख रहे हो लाल कलर का भरा है, फिर लगाया, फिर एक पीले रंग का भरा है, फिर एक नीले रंग का भरा है, 4-5 बोले हाँ ये है डॉक्टर, ये है डॉक्टर। कितना रुपए दिए थे, 1200 रुपए, 800 रुपए दिए थे एक घंटे के अंदर। फिर ये मेरे को बोले अब क्या होगा, मतलब सुबह में तुम छुरी रखोगे, मेरे को 9 बजे याद करना, फोन करना। अरे बोले मुबारक भाई डॉक्टर बुलाया है, तुम ऐसी बात करो, मतलब सुबह तो कितने बजे छुरी रखे थे, फिर आधी रात को ही हो गया था लगभग 9 बजे सुबह तक, क्योंकि वो बंदा जो दवाइयां भर रहा था ना वो सिर्फ बुखार की और ताकत की भर के पिला रहा था, जबकि बकरे को एसिडोसिस का इशू था, पेट का इशू था, पानी जो पेट में भर जाता है। अभी वो टाइम में सच बात ये है कि हमारी शुरुआत पहला और बकरे लाके भी 2 दिन हुए, मालूमात कुछ नहीं, ठीक है। तो वही जो बात बोल रहे हैं, पहले नॉलेज आना, उसके बाद जो नॉलेज पहले आप सीखो, उसके बाद हाँ घसो, फिर जैसे आपने बताया जब आपको लगे मैं चंदन बन गया हूँ तो घुसो अब उसके अंदर मेहनत, तुम्हारे घर वालों को भी फायदा दोगे, बड़े घर वाले भी खुश होंगे,
नहीं तो मैं एक रास्ता बताता हूँ, बड़ा अच्छा सा है, अगर अपने आपको बर्बाद देख कराना है ना तो बड़ा यहाँ से 2 मिनट यानी राइट टर्न पे एक फार्म है मेरा, वहाँ आ जाए है ना समीर साहब। इससे पहले आज से पहले तो आपको पता नहीं था ना अंदर की बात, नहीं अब हकीकत पता चला है, हकीकत बहुत डरावनी है ना। तो ये चीज तो हम जैसे कारीगरों के हाथ में नहीं है, तो नए के हाथ में क्या, नए के हाथ में क्या होगी है ना। एक्सपीरियंस बंदे की स्टोरी मैंने सुना तो कुछ जो 2-4 जगहों पे